हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाली हैं क्लास 11th का, जो कि हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन, एक्सरसाइज 3.4। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 के सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, साथ में जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं उन्हें भी हम आपको यहाँ पे बताने वाली हैं। तो आप सब अगर आप प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं, क्योंकि वहाँ पे हम एग्जांपल को और मुख्य हल, व्यापक हल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप सब उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि हमारा NCERT बुक का है। अब यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है कि tan x बराबर √3 आपको दिया गया है। बोला है कि मुख्य हल और व्यापक हल हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, मुख्य हल और व्यापक हल दोनों हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इसका मुख्य हल क्या होगा, फिर हम व्यापक हल ज्ञात करें, क्योंकि व्यापक हल के लिए हम आपको तीन फार्मूले बताए थे, जो कि साइन, कॉस, टेन, इन तीनों का अलग अलग था। तो आप सब उस फार्मूले को भी याद कर लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उससे आसानी से ज्ञात कर सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए tan x बराबर √3 दिया गया है। अगर हम आपसे पूछे कि tan में √3 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि tan 60° की वैल्यू √3 होती है। तो हम इसे लिख क्या सकती हैं, tan 60 मतलब π/3 लिख सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, या तो आप इसे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो आप जानते हैं ये हमारा चतुर्थांश है, और चतुर्थांश में यहाँ पे आल पॉजिटिव होता है, तो इसमें 10 तो आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो 10 इसमें आएगा। जबकि यहाँ पे क्या होता है, साइन और कॉसिक जो होता है वो सिर्फ हमारा पॉजिटिव होता है, और सभी मान ऋणात्मक होती हैं, निगेटिव होती हैं। तो यहाँ पे हमारा तो 10 आएगा कि नहीं, क्योंकि 10 हमारा क्या है, धनात्मक। तो 10 हमारा थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, 10 और कॉट हमारे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो तीसरी में आएगा और पहले में आएगा, इसमें आएगा हमारा और इसमें आएगा, इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं। और इसमें क्या होता है, इसमें यक्स है तो इसमें π-x होता है, एसोसिएशन से छोटा, और इसमें π+x होता है, एसोसिएशन से बड़ा है, एसोसिएशन + x है, और इसमें क्या होता है, 2π-x होता है। तो हमें इन दोनों में से देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, tan x बराबर हम इसे लिख सकते हैं tan π/3, क्योंकि आप जानते हैं tan π/3 की वैल्यू √3 होती है, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप कंपेयर कराइए, tan x बराबर दिया गया है tan π/3, तो हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं हम π/3। ये हमारा एक हल हो गया x का मान। अब देखिए क्या इसके और हल हैं, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा धनात्मक होता है 10, और 10 यहाँ पे भी धनात्मक होता है, तो हम यहाँ पे भी इसे √3 को हम और क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं tan x बराबर आपको क्या दिया गया है, √3 दिया गया है। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं tan x बराबर tan π-π/3। देखिए यहाँ पे अगर हम आपसे बोलें कि tan 180 - π/3 मतलब 60, tan 180 - 60 क्या होता है, तो आप कहेंगे tan 60 अंश होता है, और tan 60 की वैल्यू √3 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि √3 की जगह पे जो कड़ी में 3 दिया गया है, इसके जगह पे हम tan 180 - 60 लिख सकते हैं, और tan 180 - 60 ये डिग्री में है, इसे हमें रेडियन में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम रेडियन में मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम रेडियन में लिखेंगे, तो 80 को पाई कर दिए और 60 को π/3, तो ये हमारा रेडियन में होगा। इस चीज़ को हम ऐसे लिखे हैं, और यहाँ पे जो है वो हम इसे रेडियन में लिखे हैं, तो √3 को हम tan π - π/3 भी लिख सकते हैं। तब यहाँ पे जब आप कंपेयर कराएंगे, तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, π - π/3। अब जब आप इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2π/3। अतः हम कह सकते हैं इसका एक हल हमें और मिला, जो कि हमारा क्या है, 2π/3, π/3 2π/3। अब आप सोचिए क्या इसके और हल हो सकते हैं, बस क्या इसके दो ही हल हैं, तो इसके तो बहुत हल हो सकते हैं, अनंत हल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2π - x है, फिर ऊपर जाएगा तो 2π+x हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा 10 क्या होता है, धनात्मक होता है, तो हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो मुख्य हल होता है वो कंडीशन क्या होता है, वो होता है 0 से 2π के बीच में। मुख्य हल के लिए कंडीशन क्या है, 0 से लेकर 2π, 0 से लेकर 2π, 2π यहीं पर आएगा, तो एक राउंड बस। इसलिए हम इसके बीच में, 0 से 2π के बीच में सिर्फ दो ही होंगे,
जो इसके हल हैं। तो ये हमारा था मुख्य हल। अब हम आते हैं व्यापक हल। तो व्यापक हल निकालने के लिए हम आपको बताए थे उसके लिए टेन एक्स बराबर टेन थीटा होना चाहिए, जहाँ हमारा जो यक्स होता है ये किसके इक्वल होता है, यक्स इक्वल होता है एन एक्स प्लस थीटा के। अब देखिए यहाँ पे हमें पहले टेन एक्स बराबर टेन थीटा के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना होगा, तब हम इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है टेन एक्स बराबर रूट थ्री, तो हमें यहाँ पे टेन थीटा लाना है। तो उसके लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रूट थ्री टेन थीटा लाने के लिए हम टेन पाई बाई थ्री कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे थीटा लिखिए या वाई कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोड होता है इसलिए हम थीटा लिख रहे हैं। तो टेन पाई बाई थ्री इस चीज़ को हम रूट थ्री को लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा टेन एक्स बराबर टेन थीटा के फॉर्म में हो गया, थीटा की जगह पे हमारा पाई बाई थ्री है और यक्स की जगह पे हमारा यक्स है। तब इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम लिख सकते हैं फार्मूला हमारा क्या होता है, यक्स बराबर एन पाई एन एक्स प्लस थीटा होता है, थीटा की जगह पे हमारा क्या है पाई बाई थ्री। तो ये हमारा एक इसका मुख्य व्यापक हल हो गया। अब सोचिए क्या इसका एक ही व्यापक हल होगा, तो इसका एक व्यापक हल और हो सकता है जो कि हमारा थीटा की जगह पे टू पाई बाई थ्री भी हो सकता है। वो कैसे होगा, वो होगा हमारा टेन एक्स बराबर क्या है टेन, हम इसे लिख सकते हैं रूट थ्री को टेन पाई माइनस पाई बाई थ्री, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे इस फार्मूले में जब देखें तो थीटा की जगह पे एन माइनस पाई बाई थ्री है और यक्स की जगह पे तो यक्स है, तो हमारा यक्स बराबर हो जाएगा एन यक्स प्लस थीटा हमारा क्या है यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई थ्री, अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू पाई बाई थ्री। तो एक हम हल हमारा ये हो सकता है व्यापक हल और एक हमारा ये हो सकता है। दो यहाँ पे आपको मुख्य हल और दो व्यापक हल मिल गए, जो कि हम इस तरीके से ज्ञात। अगर आप मुख्य हल निकाल लेते हैं तो आप व्यापक हल आसानी होगी, क्योंकि आपको ये तो पता चल जाएगा कि कैसे चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पे आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक ही निकालते हैं सिर्फ एक्स बराबर एन पाई प्लस सॉरी एन एक्स प्लस पाई बाई थ्री, तो भी आपका ये सही है, इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ये निकाल सकते हैं। जबकि मुख्य हल के लिए आपको ये दोनों निकालना होगा, क्योंकि मुख्य हल में ये कंडीशन होता है जीरो से टू पाई के बीच। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सेकेंड वाला क्वेश्चन है सेट यक्स बराबर टू दिया गया है और यहाँ पर आपको मुख्य हल और व्यापक हल दोनों ज्ञात करना है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा कहाँ किस चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा होता है इसमें आल पॉजिटिव, इसमें तो हमारा आएगा, यहाँ पे साइन और कॉस होता है इसमें तो निगेटिव होता है तो इसमें नहीं आएगा, इसमें टेन और कॉट होता है पॉजिटिव तो इसमें भी नहीं आएगा, और इसमें क्या होता है सेक और कॉस जो होता है वो हमारा धनात्मक होता है तो इसमें आएगा। तो इसमें और इसमें, और इसमें क्या होता है ये हमारा यक्स है और ये हमारा है पाई माइनस यक्स पाई प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या होता है टू पाई माइनस एक्स, ये तो हमें मालूम चलेगा, अर्थात इसके दो मान मिलने वाले हैं आपको। अब कौन कौन से हैं ये हम चलिए जानते हैं। सेक एक्स है, अगर हम आपसे पूछे कि सेक में टू की वैल्यू मतलब टू कितना अंश का कोण होता है, तो वहाँ पे आप कहेंगे कि सेक सिक्सटी की वैल्यू टू होती है। तो क्या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं सेक पाई बाई थ्री, क्योंकि पाई बाई थ्री मतलब सिक्सटी, तो सेक सिक्सटी की वैल्यू जो होती है वो टू होता है। अब यहाँ पे हम कंपेयर कराएं तो यक्स बराबर हमें मिलता है पाई बाई थ्री, एक सोल्यूशन हमारा ये हो गया। अब हम और क्या लिख सकते हैं सेक टू को, हम और क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हम इसे टू को लिख सकते हैं सेक यक्स बराबर टू है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक टू पाई माइनस पाई बाई थ्री। अब देखिए यहाँ पे टू पाई माइनस पाई बाई थ्री सेक 360 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, थीटा की जगह पे क्या है पाई बाई थ्री। तो इस चीज़ को टू को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर कंपेयर कराएंगे तो यक्स बराबर हमें क्या मिलता है टू पाई माइनस पाई बाई थ्री, देखिए यहाँ पे टू पाई होता है और यक्स की जगह पे हमारा क्या है पाई बाई थ्री है, तो हम पाई बाई थ्री लिख रहे हैं टू पाई माइनस पाई बाई थ्री। अब जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिला यक्स बराबर, हमें यहाँ पे यक्स बराबर मिल जाएगा पाई पाई बाई थ्री। तो ये हमारा हो गया मुख्य हल, दो मुख्य हल हमें यहाँ पे मिल चुके हैं जो कि सेक एक्स बराबर टू का दिया गया था। अब हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं व्यापक हल। व्यापक हल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सेक एक्स बराबर
sec थीटा होना चाहिए तभी आप व्यापक हल निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूला में x बराबर क्या होता है, 2nx 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये हमारा होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ये क्या होता है हमारा sec x का, sec x बराबर का sec थीटा दिया हो तो हम x बराबर लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पे हमारा है क्या, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन क्या था, sec x बराबर 2 था, तो इसे हम पहला लिखे थे कि sec x बराबर हमारा हो जाएगा sec पाई बाई थ्री, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हमें पाई बाई थ्री मिल गया, तो इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करें तो हमारा हो जाएगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा की जगह पे क्या है पाई बाई थ्री, ये हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ रहा है, तो हम एक प्लस लेते हैं फिर माइनस लेते हैं, तो देखते हैं हमें वैल्यू क्या मिलती है। या आप इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं या आप इसे थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस हम पाई बाई थ्री लेते हैं, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही हमारा मिलने वाला है, और इसमें कुछ चेंज तो हम कर नहीं सकते, अतम कर सकते हैं इसका मतलब व्यापक हल हमारा यही होगा। तो इस तरीके से हम मुख्य हल और व्यापक हल ज्ञात करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा थर्ड है, इसमें क्या बोला गया है, कॉट एक्स बराबर दिया गया है -√3, मुख्य हल और व्यापक हल ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए कि कॉट किसमें किस चतुर्थांश में माइनस होता है, ये अगर हमें मालूम चल जाए तो हम इसे ज्ञात कर सकते हैं कि कितने इसके मुख्य हल निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो कॉट होता है पहले वाले में तो सभी प्लस होते हैं, इसमें क्या होता है आर पॉजिटिव होता है, तो इसमें तो हमारा कॉट आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कॉट माइनस दिया है, और यहाँ पे क्या होता है साइन और कॉसिक जो होता है वो सिर्फ धनात्मक होता है, तो हम कह सकते हैं साइन और कॉसिक धनात्मक होता है इसका मतलब यहाँ पे कॉट ऋणात्मक होगा। तो कहते हैं कि हाँ यहाँ पे एक हमारा इसमें बिलोंग करेगा, इसमें क्या होता है टेन और कॉट जो होता है वो धनात्मक होते हैं, और ये तो हमारा माइनस दिया है तो इसमें तो हमारा आने वाला नहीं है, और इसमें क्या होता है सेक और कॉस जो होते हैं वो हमारे धनात्मक होते हैं और सभी मान ऋणात्मक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड वाले में और फोर्थ वाले में हमारा आएगा, जो कि यहाँ पे पाई माइनस एक्स होता है, यहाँ पे 2π - x होता है। कहने का मतलब है कॉट एक्स बराबर हम लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस पाई बाई सिक्स, क्योंकि देखिए हम आपसे कहें कि कॉट 180 - 30 अंश क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है माइनस कॉट 30, और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, -√3। तो अगर हम आपसे कहें कि -√3 की जगह पे क्या हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, क्योंकि इसी से तो ये आया है, तो हम -√3 की जगह पे ये लिख रहे हैं, और यहाँ पे जो भी हमें डिग्री में है उसे हम रेडियन में चेंज किए हैं, पाई को हम 180 था तो पाई लिखे हैं और 30 था तो पाई बाई 6 लिखे हैं। अब देखिए ये कॉट एक्स बराबर कॉट पाई माइनस पाई बाई 6 हो गया, तो हम यहाँ पे कंपेयर कराएं तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा पाई माइनस पाई बाई 6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 5π/6, जो कि एक्स बराबर इसका क्या है एक सलूशन हो गया, मुख्य हल हमें यहाँ पे मिल गया एक। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है यहाँ पे 2π - x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसे लिखना चाहें तो कॉट एक्स बराबर लिख सकते हैं कॉट 2π - x, यहाँ पे हमें क्या रखना है π/6 है, 2π - π/6। बस आप इतना यहाँ पे 2π सब है ना, बस यक्स के जगह पे आप चेंज करना है, आपको यक्स हमारा क्या था यहाँ पे पाई बाई 6 है, यहाँ पे पाई बाई 6 है, तो वही हम रखे हैं। अगर हम आपसे पूछे कि कॉट 360 - 30 क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है माइनस कॉट 30, क्योंकि 360 हमारा थर्ड वाले में आएगा और थर्ड वाले में माइनस होता है और 360 में चेंज नहीं होता है, तो हम लिख सकते हैं कॉट -30।
तो यहाँ पे माइनस रूट थ्री होगा, तो माइनस रूट थ्री की जगह पे हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, बस यहाँ पे 360 डिग्री में है तो इसे हम रेडियन में 2π कर दिए, 30 है तो इसे हम π/6 लिख दिए। अब यहाँ पे जब आप कंपेयर कराएंगे तो x बराबर हमें मिलेगा 2π - π/6। देखिए cot x है, cot x है, यहाँ पे x के इक्वल इस चीज़ को हम रखेंगे, तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर मिल जाएगा 11π/6। तो एक हल तो हमारा यहाँ पे ये निकल रहा है। अतः यहाँ पे हमें कुल दो हल मिल रहे हैं। पहला हमारा क्या है मुख्य हल x बराबर 5π/6 और दूसरा है 11π/6। ये दोनों हमारे यहाँ पे मुख्य हल निकल चुके हैं। अब हमें यहाँ पे व्यापक हल ज्ञात करना है, तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए आपको पहले से कन्वर्ट करना होगा किसमें, cot x बराबर cot थीटा में। तब फार्मूला क्या होता है, तब फार्मूला इसका होता है cot x बराबर, जब cot थीटा के इक्वल होगा तब हम यहाँ पे x बराबर लिख सकते हैं n π + θ। ये हमारा होता है cot x बराबर cot थीटा, अगर हो तब हम इसे लिखते हैं x बराबर n π + θ। ये कैसे आया ये हम आपको प्रीवियस पार्ट में बता चुके हैं, तो आप सब उन्हें ज़रूर देखिए तभी आपको ये समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले cot x बराबर cot थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो चलिए इसे हम कन्वर्ट करते हैं। cot x बराबर लिख सकते हैं cot 5π/6, जो कि हम आपको मुख्य हल जब यहाँ पे ज्ञात कर रहे थे तभी आपको बताया है कि कैसे ये इसके इक्वल होगा, π - π/6 था, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 5π/6। अब देखिए तो ये हमारा cot x बराबर cot 5/6 मतलब cot x बराबर cos थीटा के फॉर्म में हो गया। तो हमारा x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है n π + θ, थीटा की जगह पे क्या है हमारा 5π/6, ये हमारा थीटा की जगह हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे निकल के आ गया इसका व्यापक हल। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन अगला दिया गया है cosec x बराबर -2। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस चतुर्थांश में cosec माइनस होता है। तो आपको पता है फर्स्ट वाले में तो आल पॉजिटिव होता है, इसमें तो हमारा आने वाला नहीं है। सेकेंड में साइन और cosec धनात्मक होता है तो इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है cosec माइनस, ऋणात्मक चाहिए हमें, तो यहाँ पे भी हमें आने वाला यहाँ पे नहीं आएगा। थर्ड वाले में क्या होता है, tan और cot जो होता है वो हमारा सिर्फ धनात्मक होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा cosec होगा वो इसमें आएगा। फोर्थ वाले में भी वही बात है, फोर्थ वाले में cos और sec होता है वो सिर्फ हमारा यहाँ पे धनात्मक होता है और सभी मान ऋणात्मक होते हैं, तो cosec यहाँ पे भी ऋणात्मक होगा। अतः हम कह सकते हैं इन दोनों चतुर्थांश में ये वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, ऋणात्मक। तो चलिए देखते हैं, अब आपको ये पता करना है कि cosec कितनी डिग्री की वैल्यू 2 होती है। तो आप जानते हैं कि 30 अंश की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, cosec π + x है तो π + x की जगह पे हमारा क्या जाएगा, π/6 है। क्योंकि अगर हम आपसे पूछे कि cosec 180 + 30 कितना होता है, तो आप कहेंगे cosec 180 + 30 अर्थात ये इसमें जाएगा थर्ड वाले में, और थर्ड वाले में हमारे क्या होती है, cosec माइनस होती है। तो हम लिख सकते हैं cosec 30, और cosec 30 की वैल्यू होती है 2 - 2। अतः हम कह सकते हैं कि -2 के जगह पे हम cosec 180 + 30 लिख सकते हैं। अब इसी को हम यहाँ पे चेंज किए हैं, 180 था तो हम पाई लिखे हैं, 30 था तो π/6 लिखे हैं। अब दोनों तरफ जब आप कंपेयर कराएंगे तो x बराबर हमें मिल जाएगा π + π/6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7π/6। तो हमें यहाँ पे एक हल इसका मिल चुका है मुख्य हल। दूसरा हमें पता है कि इसमें जाएगा, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा जो cosec x है इसे हम लिख सकते हैं cosec 2π - π/6। कहने का मतलब हम आपसे कहें कि cosec 360 माइनस 30 अंश क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, cosec 360 माइनस 30 तो ये होता है माइनस cosec 30 अंश।
और माइनस कॉस ए 360 मतलब माइनस दो था, माइनस दो की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस ए 360 माइनस 30। 360 को आप जब रेडियन में करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा और 30 को पाई बाई 6। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर कराएंगे तो x बराबर हमें मिलेगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये हमारा 6 है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 11 पाई बाई 6 है, ये हमारा क्या होगा इसका आंसर हमें मिलेगा, जो कि हमारा ये क्या है मुख्य हल है। तो यहाँ पे हमें दो मुख्य हल मिले हैं, पहला है 7 पाई बाई 6, दूसरा है 11 पाई बाई 6। अब हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं इसके व्यापक हल। व्यापक हल ज्ञात करने के लिए आपको कॉस ए एक्स बराबर कॉस ए थीटा रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कॉस ए एक्स बराबर कॉस ए थीटा, थीटा की जगह पे आप ये भी डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसे लिखना ज़रूरी होता है। तो चलिए लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम व्यापक हल ज्ञात करते हैं। कॉसेक एक्स बराबर माइनस टू दिया गया है, माइनस टू को हम लिख सकते हैं कॉसेक पाई प्लस पाई बाई सिक्स, जो कि हम आपको अभी बताए हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉसेक एक्स बराबर कॉसेक थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये हमारा थीटा हो गया। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये हमारा होता है एक्स बराबर। अब यहाँ पे जब हम रखते हैं तो थीटा की जगह पे हमें क्या रखना है पाई प्लस पाई बाई सिक्स, तो ये जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई प्लस पाई बाई सिक्स। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 7 पाई बाई सिक्स। अतः हम कह सकते हैं ये हमारा हमें क्या मिल गया इसका व्यापक हल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बताया गया है कि आपको निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। तो पहला दिया है कॉस 4x बराबर कॉस 2x, इसका हमें यहाँ पे व्यापक हल ज्ञात करना है। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए आपको पता है ये होना चाहिए कॉस एक्स बराबर कॉस थीटा के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यक्स की जगह पे आपका दिया क्या गया है 4x और थीटा की जगह पे हमारा क्या है 2x। तो हम ये तो हमारा खुद दे दिया है कॉस एक्स बराबर कॉस है, ज़रूरी नहीं कि यक्स है तो यहाँ पे यक्स ही बस सिवाय, और यहाँ पे थीटा है तो थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा कॉस एक्स बराबर कॉस थीटा के फॉर्म में खुद दिया गया है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है यक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होता है थीटा होता है, ये हमारा होता है कॉस एक्स बराबर कॉस थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कंपेयर कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए यक्स की जगह पे हमारा क्या है क्वेश्चन में 4x है और थीटा की जगह पे क्या है 2π है, 2n पाई प्लस माइनस थीटा की जगह पे क्या है 2x है, सॉरी यहाँ पे पाई नहीं है, ये हमारा क्या है थीटा की जगह पे यक्स है। अब यहाँ पे जब आप इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे मतलब 4x यहाँ पे भी है 2x यहाँ पे है, तो 2x को इधर लाइए तो 4x माइनस 2x बराबर हो जाएगा 2n पाई। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, तो एक हम प्लस लेके करते हैं फिर एक हम माइनस लेते हैं, अर्थात हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एक जगह हम यहाँ पे 4x बराबर 2n पाई प्लस 2x और दूसरा हम क्या लिखते हैं 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x, ये हो गया। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे ये माइनस 2x है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n पाई 4x प्लस 2x मतलब 6x, ये हो जाएगा 2n पाई के। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे हमारा यहाँ पे मिलेगा क्या यक्स बराबर हो जाएगा n पाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2/6 होगा जो कि हम 1/3 अर्थात हम लिख सकते हैं यक्स बराबर n पाई बाई 3, ये हमारा हो गया। और यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे ये 4x है इधर माइनस टू सॉरी ये प्लस होगा क्योंकि एक माइनस है तो एक प्लस होगा, प्लस 2x इधर आएगा तो ये हमारा माइनस 2x हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2n पाई के, 4 में से 2 जाएगा 2x होगा 2n पाई के, 2 से 2 कट गया तो हम x बराबर क्या लिख सकते हैं n पाई, ये हमारा क्या है इसका दूसरा हल है।
तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ यही तरीका नहीं है, आपके पास और तरीके हैं। आप इसे और किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पे कॉस 4x बराबर कॉस 2x है, हम 2x को इधर लाएँ तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 4x माइनस कॉस 2x जो कि इक्वल हो जाएगा जीरो के। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे एक फार्मूले से और हम सॉल्व करते हैं, क्या देखते हैं जो हमारा आंसर यहाँ पे आया है वही आता है कि नहीं। सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा कॉस 4x माइनस कॉस 2x लिखते हैं, ये इक्वल हो जाएगा जीरो के। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फार्मूला। तो चलिए लिखते हैं, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई बराबर क्या होता है, ये होता है माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई मतलब 4x प्लस 2x बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई मतलब 4x माइनस 2x बाई टू, ये इक्वल हो गया जीरो की। अब जब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू साइन 3x, ठीक है, करेंगे 4 प्लस 2 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x हो जाएगा इंटू साइन 4 माइनस 2 मतलब 2x और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, ये हो गया जीरो के इक्वल। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स बराबर ज़ीरो। और यहाँ पे क्या, सबसे पहले देखिए माइनस टू है, जब जीरो में डिवाइड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 3x इंटू साइन एक्स, ये हो गया ज़ीरो के इक्वल। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि साइन 3x बराबर ज़ीरो और साइन एक्स बराबर ज़ीरो, आप कहेंगे हाँ इसे हम लिख सकते हैं साइन 3x बराबर ज़ीरो और साइन एक्स बराबर ज़ीरो। अब देखिए साइन एक्स बराबर की बात करें तो यहाँ पे ज़ीरो कब होता है, तो आप कहेंगे साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे देखिए साइन 3x बराबर साइन ज़ीरो के हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 3x बराबर ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक्स का मान क्या मिला, एक्स बराबर हमें मिला यहाँ पे एक, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे व्यापक हल ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें साइन एक्स बराबर साइन थीटा मिला है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, साइन में एक्स बराबर, तो हमारा 3x मतलब यहाँ पे ये हमारा एक्स है, ये थीटा है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन इंटू थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स के ऊपर तो 3x था तो लिख दिए, और थीटा के जगह पे हमारा क्या है ज़ीरो, तो यहाँ पे जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये टोटल जीरो हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं 3x बराबर एन पाई, ये तो ज़ीरो हो गया। तो हम आपसे पूछे कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे एक्स बराबर निकाल सकते हैं एन पाई बाई 3, ये हमारा पहला हल इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा दिया है एन एक्स बराबर ज़ीरो के, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स बराबर साइन थी ज़ीरो के, क्योंकि ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे हमारा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बराबर होगा एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन इंटू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो का मान हमारा होता है, तो यहाँ पे एक्स बराबर हमें मिला एन पाई। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात हमारा यहाँ पे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप सीधे फार्मूला यहाँ पे यूज कर दीजिए कॉस एक्स बराबर कॉस थीटा की, या तो आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो आसान लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए क्या बोला गया है, कॉस 3x प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस 2x ये इक्वल है जीरो को। तो इस क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जिससे उनका भी भला हो सके। क्योंकि ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, ये अभी तक आपने जो भी पढ़ा है इसके पहले वो तो सब बेसिक थी, उतना मतलब आप कर सकते थे, लेकिन ये जो है मुख्य हल व्यापक हल, ये थोड़ा नया टॉपिक है आप सबके लिए, क्योंकि 10th में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो ये आपके लिए थोड़ा नया टॉपिक है, इसलिए इसके बारे में जानकारी लेना या जानना थोड़ा बच्चों को कठिन लगता है ये।
क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मुखल और व्यापक हल एक नॉर्मल मतलब है, बस आप ये बात समझ जाइए तो आप सभी क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। तो चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।